एक दो महीने ट्राई करके देखूंगा, अगर रिवाइव नहीं होती है तो आई विल गेट अ न्यू चेन सेट, बट अनफॉर्चुनेटली रोल ऑन मेरी मोटरसाइकिल के लिए चेन नहीं बनाती। हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल रोडियम। मेरा नाम है शुभम, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, विश करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। सो यार, आज की वीडियो में हम और कुछ अपने प्रोडक्ट्स अनबॉक्सिंग करने वाले। तो लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप वो वीडियो जा करके देखिए जिसमें हमने इस माइक की अनबॉक्सिंग की थी, एंड इट टर्नड आउट टू बी अ ग्रेट प्रोडक्ट। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की इसको लगा करके, एंड द ऑडियो वॉज क्रिस्प एंड गुड, मजा आ गया मुझे। उसके अलावा आज जिन प्रोडक्ट्स का मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ उनका बेसिक पर्पस ये है, वो प्रोडक्ट्स मुझे हेल्प करेंगे मेरी बाइक की चेन क्लीन करने में, क्योंकि यार आप सब जानते हो कि अब की बाइक्स में मेन स्टैंड नहीं आ रही हैं, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम दैट आई वाज फेसिंग। मेरे पास है V-Strom 250SX, आपने मेरी शॉर्ट्स और वीडियोस में देखा ही होगा। उसमें मेरे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें यह है कि मैं उसकी चेन क्लीन कर नहीं पाता हूँ। दो मुझे आदत थी, मेरी पुरानी बाइक जो कि FZ है, FZ Yamaha की, उसमें मैं रेगुलरली करता था, इट हैज अ मेन स्टैंड और मैं बहुत इजीली उसमें कर पाता था चेन क्लीन। बट इस बाइक में मेन स्टैंड नहीं होने की वजह से चेन क्लीनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। सो हुआ क्या कि मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर में, और उसके बाद ये एक महीने तक सर्विस सेंटर में खड़ी रही थी, और अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर बाइक खड़ी रही थी वॉशिंग बे के बहुत पास में खड़ी रही थी, और उसके कारण चेन में रस्टिंग आ गई। मैं जमशेदपुर में था नहीं उस समय, और एक महीने तक वो वहीं खड़ी थी। उसके बाद फिर मैं जब ले करके आया मुझे थोड़ा बहुत रस्ट दिखा, फिर मुझे निकलना था। अनफॉर्चुनेटली मैं उस चीज़ को उतना हाईलाइट नहीं कर पाया और ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। 3-4 महीने के बाद मैंने देखा तो इट वॉज टू लेट, शोरूम वाले भी मानने को रेडी नहीं है, ना ही मैं कुछ उन पर फोर्स कर सकता था। तो जो भी है, उसके बाद से नेक्स्ट सर्विस में थोड़ा सा हमने खराब इंजन ऑयल डाल करके देखा, कुछ समय तक तो थोड़ी सी सही चली, बट उसके बाद फिर वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, एक तरफ से हार्ड एक तरफ से लूज, सो बहुत ही अनइवन सा टेक्सचर हो गया है। इस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं जो कि शायद मुझे हेल्प करें अपनी बाइक का चेन रिवाइव करने में। एक दो महीने ट्राई करके देखूंगा, अगर रिवाइव नहीं होती है तो आई विल गेट अ न्यू चेन सेट। मैं कोशिश कर रहा हूँ रोल ऑन का ब्रास चेन सेट मंगवाने का, बट अनफॉर्चुनेटली रोल ऑन मेरी मोटरसाइकिल के लिए चेन नहीं बनाती। सो जैसा भी है, चेन सेट का अभी साइड में रखते हैं किस्सा, पहले तो चेन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, उसके लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए, उनकी आज अनबॉक्सिंग करते हैं। सो लेट्स गो। This is one of the products जो कि है ग्रैंड पिट स्टॉप की तरफ से। भाई मैंने अपने पैसों से लिए, इतना बड़ा चैनल नहीं है कि कोई स्पॉन्सर कर सके, बट हाँ फिर भी अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। ग्रैंड पिट स्टॉप के से ये प्रोडक्ट आया है विच आई विल बी यूजिंग ऑन माई मोटरसाइकिल। अब यार पता है, पहली बार ये चीजें आई है ना तो थोड़ी सी अंदर में चुल होती है कि खोल करके देखूं कि कैसी है। मैंने खोल तो दी, फिर मुझे याद आया कि यार अनबॉक्सिंग वीडियो भी बननी है। खैर कोई नहीं, अनबॉक्सिंग वीडियो फिर भी हम बनाएंगे। दो मैंने अंदर की कंटेंट्स को अनरैप नहीं किया है। सो पहली तो ये जो कि ग्रैंड पिट स्टॉप की तरफ से आती है, मैंने अमेजोन से मंगवाई है। इसका मुझे पड़ा था अराउंड 1700 समथिंग। उसके बाद दूसरी चीज ये है जो कि मैंने जियो मार्ट से मंगवाया है, इसका मुझे पड़ा है 700 समथिंग। और ये तीसरा प्रोडक्ट जिसे मैं अनबॉक्स करूंगा, ये भी अमेजोन के थ्रू है। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले सबसे छोटे पैकेज से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा, एंड बेसिकली ये है सबसे छोटे पैकेज में जो कि है पेडॉक स्पूल्स। सो पेडॉक स्पूल्स हम अपनी बाइक के स्विंग आर्म पे लगाते हैं जिसपे की पेडॉक डॉक होता है और फिर बाइक को उठा देता है।
ये देख सकते हो ऐसे आते हैं, ये दो तीन नट्स हैं, स्पूल्स हैं, बड़े वाले वॉशर्स हैं, दैट्स इट। अब सबसे बड़ा इसमें आता है सबसे पहले तो ये थैंक यू नोट, क्लेम या वारंटी का कार्ड, जो कि हम ज़रूर करेंगे। उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें। ये यार मैं पहली बार कोई पैडॉक अनबॉक्स कर रहा हूँ, इसलिए पता नहीं कैसा होगा। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। ये है पेडॉक का हैंडल, जिसे लगा करके हम बाइक उठाएंगे। इसको रखते हैं बाजू में। नेक्स्ट थिंग है ये, जो कि है, भाई साहब इतनी अच्छी पैकेजिंग ये लोग करके देते हैं ना कि निकालने में मैंड बज जाए। तो ये है इसकी एक साइड की ट्रॉली। यार व्हील्स देख कर ही चलाने का मन करता है ना आपको भी? मैं भी बहुत करता है यार। यार छोटा होता हूँ इसी से खेलता रहता पूरे टाइम, मजा आता है। दूसरी चीज अयो रामा, यार काम करते पसीना बहुत आता है, कोई नहीं। तो ये इसका दूसरा क्या कहते हैं, ये इसकी दूसरी ट्रॉली, इसे भी साइड में रखेंगे। इसके अलावा ये आते हैं जो कि, अरे यार स्विंगम होल्डर हैं ये, तो कोई ना स्विंगम पे लगा देंगे। स्पूल शायद यूज में नहीं आएंगे बट ठीक है, देखते हैं और क्या क्या है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्क्रूज आते हैं और कुछ लॉक्स आते हैं। ये और भी चीजें हैं, और ये 5-star रेटिंग के लिए कैशबैक जिससे हमें मिल सकता है। पैसा ही पैसा होगा। उसके अलावा और सामान का ये बाकी। अरे भैया इसका कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल तो होता है क्या? ये तो जियो मार्ट का ये रिसीट है, बाकी तो कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल मुझे तो दिखा नहीं। कोई नहीं, अपना दिमाग यूज करते हैं, कितना ही गलत हो सकता है। सबसे पहले इसे ऐसे अटैच करेंगे, या पहले तीसरा प्रोडक्ट खोल ही लेते हैं फिर इसे अटैच करके देखेंगे कि कैसा लगता है। तीसरा प्रोडक्ट है ये, इसे भी खोलते हैं। ये पूरा ही सील्ड प्रोडक्ट है। चलो पहला सील्ड प्रोडक्ट मिला आपके सामने खोलने के लिए। इसके लिए उतना ज़्यादा एक्साइटेड था, मतलब एक्साइटेड तो हूँ सभी चीज़ के लिए, बट उतनी एक्साइटेड नहीं थी जितनी पेडॉक के लिए थी। इसमें आता है ये इसका बिल है। कितने का पड़ा था ये मुझे? ये पूरा मुझे पड़ा था 539, 600 रुपये का पड़ा था शायद, यार 539 लिखा है, बट कोई नहीं। और फिर ये सारी चीज़ें इसमें,
प्लास्टिक सील तो वैसे ही खुली थी। सो पहला है एक माइक्रोफाइबर टॉवल, जिसकी मुझे एक्चुअली रिक्वायरमेंट थी बाइक साफ करने के लिए। उसके बाद आता है ब्रश, जो कि मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। सो ये तो नया है कि नहीं, किसी को चाहिए तो यार ले लो, फ्री में दे दूंगा। उसके अलावा ये है ब्लैक बर्ड का चेन क्लीनर स्प्रे, ये है ब्लैक बर्ड का चेन लूप स्प्रे, और ये है ऑफ कोर्स ब्लैक बर्ड का रस्ट लूजनर। मेन इसके कारण मैंने ये पूरा सेट मंगवाया था, क्योंकि मुझे ये ट्राई करना था अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, रिकंडीशन हो जाती है मेरी चेन, तो आई नॉट गो थ्रू द ऑल द ड्रामा ऑफ गेटिंग अ न्यू चेन सेट। यार 2,500-3,000 रुपये बचेंगे, 600 रुपये खर्च करके अगर 2,500-3,000 बच गए तो वाई नॉट। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, अभी के लिए तो बहुत जरूरी है यार। अभी मुझे YouTube पे नहीं कर रही और अपने इनकम से मैं बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और YouTube पे करने लगी तब भाई केस अलग होगा। सो सबसे पहले हम इसे सेट करते हैं पेडॉक को, ये नट एंड स्क्रूज लगाते हैं इसमें। लाइट गई, चलो लाइट आती है फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। लाइट आ गई, अब मैंने इसे ये गलत लगा दिया, सो इसे वापस से निकालना होगा। सो ये वाला ऊपर रहेगा एंड ये जो ओरिंग साइड है ना, ये नीचे रहेगा जहां पर नट लगेगा। दो वॉशर्स, एक वॉशर ऊपर एक वॉशर नीचे और ओरिंग भी नीचे। देखो इसे हम कहते हैं वॉशर और इसे मैं कहता हूं ओरिंग, अगर गलत हूं तो मुझे सही कर देना। ओरिंग में ये कटा हुआ रहता है यहां से और वॉशर पूरा ही गोल रहता है हर जगह से। अब सेकंड वाले को भी कर देते हैं अटैच इसी तरह से। सो भाई सब बहुत भारी है, ये पेडॉक रेडी है। हाँ रेडी नहीं है, एक पार्ट और बाकी है इसका, ये चलो देखो ये रेडी है। आइयो, और यहाँ पर ये स्प्रिंग क्यों है ये आप लोग सोच रहे होगे, तो बेसिकली इसमें क्या है कुछ होल्स बने हुए हैं जहां पर कि ये पिन्स अटैच हो जाएंगे और इसको मतलब अटका देंगे वहां पर इन इनके लीवर्स में। जैसे मैं दिखाऊं इसके रॉड में, देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कुछ ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं, ये सारे होल्स हैं जिनमें कि ये पिन्स जाकर के फंसेंगी और ये स्प्रिंग उस इस चीज को पूरे टेंशन में बाहर रखेंगे ताकि बाइक के स्विंग आर्म पे ये अटैच हो सके, आइदर स्विंग आर्म और स्पूल, और बाइक को लिफ्ट कर सकूं मैं इजिली। दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, सो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही रहना।